भूटान की सीमा पर चीन ने अपनी नई चाल चल दी है। चीन ने भूटान की सीमा पर सैनिक हथियार जमा किए हैं। जी हां, चीन ने भूटान की सीमा पर जमीन भी कब्जा की है, ये सूत्र बता रहे हैं। बहुत बड़ी खबर चीन के चालाकी के चरित्र की, और कैसे अतिक्रमण का जो चरित्र है एक बार फिर से उजागर हुआ, क्योंकि अब अगर लद्दाख में नहीं चली चीन की चाल तो भूटान की सीमा पर कैसे अब अपने चरित्र का यानी चालाकी के चरित्र का परिचय चीन ने दिया है। मनीष, इस पर अब अपडेट दीजिए और बताइए कि कैसे चीन, ठीक है मनीष आपका मैं रुक करूंगी, लेकिन पहले रिपोर्ट दिखा देते हैं फिर उसके बाद विस्तार से बात। पहले LAC पर घमासान, अब भूटान सीमा पर चीन की टेढ़ी चाल। लद्दाख में भारत के पराक्रम के आगे चीन पस्त हुआ तो भूटान में चीन ने चली है नई चाल। चीन अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को भूटान की सीमा पर तैनात कर रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन भूटान की सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती तो कर ही रहा है, यहां पर बड़ी तादाद में हथियार भी इकट्ठा कर रहा है। लेकिन चीन की मंशा सिर्फ इतनी ही नहीं है, चीन दबे छिपे भूटान की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2017 में डोकलाम विवाद के बाद से ही चीन ने भूटान सरहद पर सड़क और हेलीपैड बनाने का काम शुरू कर दिया। बड़ी तादाद में ट्रूप्स की तैनाती बढ़ाई गई और बताया जा रहा है कि चीन ने पश्चिमी भूटान के 5 इलाकों में घुसपैठ भी कर ली है। इतना ही नहीं, चीन ने नई सीमा पर भी दावा किया है जो भूटान में 40 किलोमीटर भीतर तक है। जाहिर है शी जिनपिंग का विस्तारवाद अब भूटान को निगल लेने की साजिश कर रहा है। जानकारों के मुताबिक चीन की ये चाल भारत के लिए एक चुनौती की तरह है। इसकी वजह साफ है, भूटान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में है। ये देश पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है और भूटान की सीमा भारत से मिलती है। अहम बात यह है कि भूटान की ओर से चीन के साथ कोई भी समझौता भारतीय सुरक्षा पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। अभी हाल ही में चीन और भारत के बीच अहम बैठक हुई, इसमें भारत ने चीन से दो टूक कह दिया कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर समझौतों का सवाल ही पैदा नहीं होता। चीन ने भी माना कि LAC पर तनाव के हालात किसी के भी हित में नहीं, लेकिन चीन अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा और अब उसे एक बार फिर करारा जवाब देना होगा। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मनीष, लद्दाख पर नहीं चली चाल तो भूटान की सीमा पर अब कैसे अपनी निगाहें टिकाए हुए है चीन। लेकिन आपसे मैं समझना चाहती हूं कि क्या चीन ये नहीं समझ पा रहा है कि उसकी चालाकी अब पूरी दुनिया जानती है, फिर चाहे वो छोटा देश हो या फिर शक्तिशाली भारत। जी हाँ, देखिए चीन के सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। चीन को बात अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन चीन की नीयत ही खराब है और इतना कुछ करने के बाद भी चीन सुधरने को तैयार नहीं है। अभी जो रिपोर्ट्स आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भूटान और चाइना बॉर्डर पर काफी ज्यादा PLA के सैनिक देखे जा रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि भूटान सरकार को, जो हमारे जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि भूटान सरकार को टॉप लेवल पर ये इन्फॉर्म कर दिया गया है कि वो चीन की कोशिश से बच के रहे, क्योंकि चीन डोकलाम की तरह भूटान के जो नॉर्दर्न पार्ट है उस पे कुछ इलाकों पे कब्जा करना चाहता है। लेकिन ऐसा करना क्यों चाहता है, अगर आप इसको समझे, दरअसल भूटान के साथ चीन का सीमा विवाद है और भूटान एक छोटा देश है, भूटान के ऊपर दबाव बनाना चाहता है PLA, ताकि जो उसके साथ जैसा चीन चाहता है उतने इलाके पर कब्जा जो करना चाहता है उसके लिए भूटान राजी हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि चीन की नजर इस वक्त डोकलाम पे है, वो चाहता है कि किसी तरीके से डोकलाम के हिस्से में वो दोबारा अपनी घुसपैठ कर ले, अपनी पकड़ कर ले, जिससे जो हम बात कर रहे हैं चिकन नेक की, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर बैठा जा सके, उस पर जरूरत के हिसाब से उन रास्तों को बंद किया जा सके, जिससे पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग किया जा सके। तो ये एक बड़ी साजिश है, क्योंकि कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि कैसे नेपाल जो है चीन को लगातार चीन जो है नेपाल को अपनी तरफ कर रहा है, और बयान भी आए थे कि नेपाल, पाकिस्तान और चाइना तीन फ्रंट से भारतीय सेना घिर सकती है। लेकिन अब जो भूटान में, और लगातार अगर भूटान की हमने मदद नहीं की और भूटान को मजबूत नहीं किया तो आने वाले टाइम में ये डेंजर बड़ा हो सकता है। धन्यवाद आपका मनीष, आपसे और जानकारी इस पर हम लेते रहेंगे। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. Download it now.